चैनल एजुकेशन मार्ट और आज मैं आपके लिए जो इस वीडियो में लेके आई हूँ, आप अपनी बहुत सारी एक्सेल शीट्स का इंडेक्स शीटें कैसे बना सकते हो। देखिए, आप सभी जानते हैं अगर हम एक्सेल पे काम करते हैं, हम डैशबोर्ड भी बनाते हैं, बहुत सारी शीट्स पे वर्क भी करते हैं और हम एक हैंडी सी इजी सी चीज चाहते हैं कि हमारा एक इंडेक्स पेज हो और हम एक बटन की तरह से क्लिक करें और किसी भी शीट पे पहुंच जाएं। तो वो किस तरीके से आप बना सकते हो बहुत अट्रैक्टिव अपना डैशबोर्ड, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, तो वो सारा आज मैं टॉपिक आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वाला जो लिंकिंग प्रोसेस आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपको हर किसी को बहुत यूज आने वाला है अपनी ऑफिशियल वर्क में। सो स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो। सो गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं, हमें बनाना है कुछ इस तरीके का इंडेक्स कि हम एक डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं। कुछ हमारी शीट्स हैं, मैं जैसा कि आपको दिखाना चाहती हूँ, मैंने कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना रखी है यहाँ पे, रीजन वाइज हमने ग्राफ बना रखा है, स्टोर बेस पे हमने एक अपना डैशबोर्ड छोटा सा तैयार किया हुआ है और एक हमने कंप्लीट डैशबोर्ड भी तैयार किया हुआ है जो मुझे तीन चार चीज़ें मेरी सब कैटेगरी रीजन वाइज बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है और एक शीट पे है मेरा पूरा का पूरा मेरा फाइनल डेटाबेस। तो अब हम बात करते हैं, आप मुझे हर पेज पे जाने के लिए मुझे इस तरह से शीट्स पे क्लिक करना पड़ रहा है, तो मैं क्या चाहती हूँ भाई, कुछ इस तरीके के बटन बन जाए, मैं होम पे क्लिक करूँ, मैं अपने इंडेक्स पेज पे पहुंच जाऊँ। मैं अगर मेरा जो कस्टमर है वो सेल्स बाय रीजन पे चेकआउट करना चाहता है, क्लिक करे तो वो उसके डैशबोर्ड पे पहुंच जाए। तो हम इस तरीके के बटन्स को किस तरीके से बना सकते हैं, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या कीजिए, जस्ट किसी भी शेप में जाइए, एक शेप को ड्रॉ कीजिए। शेप को ड्रॉ करने के बाद आप इस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ कर लेंगे। हमने यहाँ पे उस शेप को इस तरीके से ड्रॉ किया है। जो आपको शेप में फॉर्मेटिंग्स वगैरह गाइज आपने देनी है आप दे सकते हैं, आपने टेक्स्ट लिखना है आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। लाइक अगर मुझे मेरी डेटा शीट पे जाना है तो हमने थोड़ा सा इसको कुछ अट्रैक्टिव बना दिया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लगे। अब ये बनाने के बाद हमें, मैंने सिर्फ इसे क्या किया हुआ है, जस्ट प्रेस राइट क्लिक। राइट क्लिक में आपको लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए मैंने रिमूव लिंक किया है और अब हम राइट क्लिक करते हैं तो देखिए लिंक का ऑप्शन यहाँ मिलेगा। अब लिंक का मतलब क्या होता है कि मुझे इसे किसी अपने एक्सेल के ही किसी पार्ट से इसे लिंक करना है। तो मुझे जो लिंक करना है गाइज अपनी शीट से लिंक करना है। सेल्स बाय रीजन बटन को मुझे किससे लिंक करना है, मेरी नीचे जो शीट आ रही है सेल्स बाय रीजन से। तो हम जस्ट यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की विंडो गाइज आपकी खुल जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, तो यहाँ पे आज मैं आपको यूज बताने वाली हूँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इतनी सारी शीट्स हमें मिल रही हैं, तो हमें क्या करना है, हमें पता है हम इसी प्लेस में इन्हीं शीट से किसी ना किसी जगह को लिंक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, बस सेल्स बाय रीजन को इस तरह से चूज करेंगे और अगर किसी उसी शीट पे किसी पर्टिकुलर सेल में मुझे कर्जर चाहिए, लेट सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरा कर्जर किसी सेल में आए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कर देते हैं A3। तो देखिए अब अगर मैं इसे ओके करती हूँ तो गाइस अब मैं इसे अगर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं मैं क्लिक करते ही A3 सेल नंबर पे पहुंच चुकी थी। इसी तरीके से सेम स्टेप्स हमने सबको यहाँ पे लिंक किया हुआ है सेल्स बाय स्टोर, डैशबोर्ड को हमने लिंक किया हुआ है डैशबोर्ड वाली शीट से, डेटा को हमने लिंक किया हुआ है डेटा शीट से और अब हमने अपना इस तरीके से एक इंडेक्स पेज बना दिया है जो कि मेरा यूजर किसी भी बटन पे क्लिक करके अपनी शीट पे पहुंच सकता है। और अब हर एक शीट पे हमने एक और बटन डिजाइन किया है जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, होम या इंडेक्स। इस बटन को हमने जो लिंक कर दिया है सबको किससे लिंक कर दिया है, अपनी होम शीट से। और होम शीट से लिंक करने से क्या होगा, जब भी कभी यूजर मेरा किसी और शीट पे है तो वो डायरेक्ट हमारा होम शीट पे पहुंच जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। और बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इस होम बटन को आप यहां से कॉपी करके अपनी हर एक शीट पे रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि यूजर आपका होम बटन पे हर एक शीट से कभी भी पहुंच के किसी भी शीट से इस तरह से जंप होके अपने इंडेक्स शीट पे आ जाए। सो
कुछ इस तरीके से आप अपने डैशबोर्ड्स बनाने के लिए अपने बटन्स का यूज कर सकते हैं और उन्हें अट्रैक्टिव तरीके से बना सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई मेरी और अगर आपको डैशबोर्ड्स बनाने के लिए ये वाले बटन क्रिएशंस आपको अट्रैक्टिव लगे और आपको अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और गाइज मैं बस आपसे इतना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।